लेकिन गोल्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, गोल्स दे डोंट ओनली टेल यू व्हाट यू शुड डू, दे आल्सो टेल यू व्हाट यू शुड नॉट डू। जारी तौर पे तो आपको लिखा हो ये नजर आ रहा है मैंने ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, और जो चीजें उसमें नहीं लिखी समझ लें आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं करनी। क्या आपने उसमें लिखा है मैंने 3 शादियां अटेंड करनी है हर हफ्ते? क्या आप उसमें लिखा हुआ है कि मैंने 3 जनाजे हर हफ्ते अटेंड करने हैं? क्या आपने लिखा हुआ है कि मैंने इतने लोगों को इन्वाइट करना है? क्या आपने लिखा हुआ है कि मैंने फलानी जगह जाना है या मैंने सैर करने जाना है? नहीं ना लिखा। अगर नहीं लिखा तो डैट मीन्स कि वो चीज़ें, ये स्टीव जॉब कह रहा है डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू, आपके पास अदरवाइज लड़ाइयाँ झगड़े हैं, एडहॉकिज्म है, इम्पल्सिव फैसले हैं, अच्छा मूड ख़राब हुआ चले गए, मूड सही हुआ ना गए, तो आपके पास कोई रैशनल बेसिस नहीं है नो कहने की अगर आपके पास गोल्स नहीं है। अगर मैं ये सोच समझ के कहूँ कि भाई आज का मेरा ये टारगेट है नेक्स्ट 2 आवर्स का, अगर मैं वहाँ पे चला गया तो आई विल नॉट एबल टू अचीव माई टारगेट, फिर तो मेरे पास रैशनल बेसिस हैं। अगर रैशनल बेसिस नहीं है तो फिर सवाए इसके कि दिल नहीं कर रहा, या वो आगे से बेगम साहब ये कहें कि आपको तो मेरे घर वाले पसंद नहीं है, आप तो मुझे कहीं लेके नहीं जाते, तो फिर तो इमोशनल ही बातें हैं अगर रैशनल नहीं है। सो सबसे बड़ा फायदा गोल्स लिखने का ये होता है कि दे डोंट ओनली टेल यू व्हाट यू शुड डू, दे आल्सो टेल यू इनडायरेक्टली व्हाट यू शुड नॉट डू। वो जो डॉक्टर स्टीवन कोवी प्रायोरिटाइजिंग लाइफ में पढ़ाते हैं ना, देर आर थिंग्स इन लाइफ विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, 2 चीज़ों का मैट्रिक्स बताते हैं, वो इसके अंदर फिट होता है। There are things which are important and urgent. There are things which are important but not urgent. There are things which are not important, not urgent. There are things which are urgent but not important. तो अब ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ये 4 लाइफ की चीज़ें हैं, कुछ अहम हैं ज़रूरी नहीं, कुछ ज़रूरी हैं अहम नहीं, कुछ ज़रूरी भी हैं अहम भी हैं। तो सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती है उस चीज़ को जो ज़रूरी है और अहम है। लेकिन अगर आप जब चीज जरूरी और अहम हो उसको उस वक्त पकड़ें तो देर इज नथिंग मच यू कैन डू एट दैट टाइम, बिकॉज उस वक्त क्राइसिस आ चुका हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ जो चीज आज अहम है अभी जरूरी नहीं हुई। भैया जिसे आप प्रोकेस्टिनेशन कहां से होती है, आपने 3 दिन का टारगेट दिया हुआ है, आपने 2 दिन कुछ नहीं किया, आज उसकी डेडलाइन है, इसका मतलब है वो 3 दिन पहले भी चीज अहम थी लेकिन अभी अर्जेंट नहीं हुई थी। तो यू हैव 3 डेज टू गिव योर बेस्ट टू अचीविंग दैट थिंग। आज अब वो चीज अर्जेंट भी हो गई है क्योंकि अब डेडलाइन आ गई है। तो जब आज आप उसको एड्रेस करना शुरू करेंगे तो यू विल नॉट एबल टू गिव द बेस्ट यू हैव। अगर खुदा ना खास था उसी वक्त में घर में कोई इमरजेंसी होगी, बच्चा गिर गया है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? तो जो कामयाब लोग हैं दे थिंक्स, दे डू थिंग्स प्रोएक्टिवली, दे डोंट डू थिंग्स एट द लास्ट मिनट टू अवॉइड दिस क्राइसिस सिचुएशन। क्योंकि याद रखें क्राइसिस स्ट्रेस देता है, तो अगर स्ट्रेस से बचना है तो यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ अदर वेज टू डू इट। कि यार मैंने 1 हफ्ता पहले काम खत्म करके रखा हुआ, आखिरी दिन घंटे के बाद टिच टाच करके भेज दूंगा, तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड के खाना खास्ता को वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है, कोई घर में इमरजेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो यू अवॉइड स्ट्रेस। आपको पता है पेट खराब हो जाते हैं लोगों के जब प्रेजेंटेशन करनी हो, कोई डेडलाइन आ रही हो, उसकी वजह हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स उस वक्त बॉडी देती है वेन यू आर आइदर इनकेपेबल और अनएबल टू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, प्रिपेयर नहीं थे आप, इसलिए आपके वो पेट के अंदर वो गुंगड़ू हो रही है और तकलीफ हो रही है और दर्द हो रही है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है फॉर द स्ट्रेस योर बॉडी इज गोइंग थ्रू। जिसका कसूर किसका है? आपका, कि जो आपने इस चीज को उस वक्त एड्रेस नहीं किया जिस वक्त ये अहमियत तो थी। भैया आपकी लाइफ का गोल है, आपको सोचो ना 15 साल 20 साल आप कुछ ना करें, आप 30 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में आप कहें जी मैं तो बस 40 साल तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, 5 साल में तो शायद आप ना हो पाए।
लेकिन अगर आपको ये बात 15-20 साल के बारे में पता चले तो बहुत टाइम था। 15-20 साल में बहुत कुछ हो जाता, 10 साल में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन कई चीजें ऐसी जो लाइफ एक साल में नहीं होती। सो यू कैन हैव एनीथिंग इन योर लाइफ रिमेंबर बट नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टैग लगा हुआ है उन लोगों के साथ जो अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, वो कई शादियां उन्होंने छोड़ी हैं, कई चीज़ों में वो नहीं जा सके, कई खुशियां अपनी पूरी नहीं कर सके, इसीलिए वो बन गए हैं जो बने हैं। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस तरफ लगाई है जो उनके गोल्स थे, तो उसकी कॉस्ट तो है। एक तरफ कॉस्ट ये है कि यू डोंट बिकम व्हाट यू वांटेड टू बिकम, दूसरी तरफ कॉस्ट ये है कि यू बिकेम। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मुझे अपनी आई डोंट रिमेंबर माई टीन एज बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन बिकमिंग वट आई। मेरी टीन एज के अंदर ही जब मैंने बगावत की और मैंने शादी अपनी मर्जी से की, तो मेरी चौथी स्टेज वहीं पर आ गई थी व्हेन आई सेड गुड बाय कि मैं ख़ानदान में शादी नहीं करूँगा, मैं ख़ानदान की कोई वो नहीं मानूंगा, मेरा जो इस्लाम कहता है मैं वही करूँगा। तो फिर अब्बा ने कहा इस्लाम कैसे, जाओ कमाओ भी अपने, जाओ पढ़ो भी सर। तो मेरी चौथी स्टेज वहाँ पे आ गई थी। अब कई लोग ऐसे हैं कि 40 साल 50 साल में चौथी स्टेज में आते। सो जब आपकी चौथी स्टेज आ जाए 16 साल की उम्र में और आपके पास पाँचवीं स्टेज आपकी आ जाए 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, तो फिर आप आसानी से 40 साल में कह सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। तो कितना टाइम है आपके पास। सो द अर्लियर यू डू द बेटर इट इज़ फॉर यू। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मेरे आज तक भी ये गूगल के ऊपर मेरे सारे सेव होते हैं, मेरे लाइफ के एवरी ईयर का प्लान सेव होता है, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। स्पिरिचुअल गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कैरियर के गोल्स क्या हैं, एकेडमिक गोल्स क्या हैं, लर्निंग के गोल्स क्या हैं, रिलेशनशिप के गोल्स क्या हैं, सारे लिखे होते हैं। और ये मेरा याद पड़ता है मुझे 95-96-97 से करता आ रहा हूँ। तो सोचें दिस बाय इटसेल्फ टेल यू द होल फ्रेमवर्क। साल पहले आपको पता होता है कि इस साल आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या होंगी। सो यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग बिकॉज आपका अपना लाइफ प्लान है, आप अपने प्लान पे चलते हुए जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटीज कैसे चेंज हो रही हैं, यू डोंट गेट ईजीली डिस्ट्रैक्टेड। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, और अगर उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनका लाइफ गोल नहीं था। जो ही आपको अपने लाइफ गोल पर नजर पड़ती है आप कहती हैं या बट माय लाइफ। फॉर एग्जांपल मैंने जब ट्रक लिया तो आई न्यू व्हाट आई विल बी डूइंग, तो आई नीडेड अ ट्रक। या मैंने उसी टाइम पे यहाँ पे फार्म लिया जबकि मेरे साथ के लोग CNG स्टेशन और दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये 2007-08 की बात है, मुशर्रफ साहब के टाइम के बाद। तो मैंने अगर ना की, अगर मैं फाइनेंशियल फैसला करता उस वक्त, तो उस वक्त तो फाइनेंशियली सबको पता था दुबई की तो मार्केट ऐसे जा रही थी रियल स्टेट की, और CNG के लोग लाखों रुपये कमा रहे। तो आज ना CNG स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं ना कुछ और। लेकिन मेरा गोल क्या था कि मैंने फार्म हाउस बनाना है और एक अपना वो लाइफ गुजार रही है। तो मेरा उस वजह से मैं उसको ना कर सका। सो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यू डोंट गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। आपको बताते रहेंगे यार ये ना करो वो ना करो, हम तो ऐसे करें तुम भी कर लो। मैंने नहीं किसी की सुनी। पावर कहाँ से आई, पावर वहां से आई जो मेरे सामने लिखा हुआ। सो दे से नो मोर ऑफन, यू विल एबल टू से नो। यार शाम को जरा गेट टुगेदर किया आ जाओ, नहीं यार आई एम सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मैंने अपनी स्लाइडिंग कंप्लीट करनी है, आज मैंने अपनी अलमारी ठीक करनी है, आज मैंने जनाब वो फलाना एक वीडियो देख के सोनी है, आज मैंने फलानी चीज़ तैयार करनी है। कितना आसान हो जाता है। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं जहाँ पर मैं नहीं गया, घर वालों को भेज दिया, किसी को भेज दिया यार आप चले जाए, मैं नहीं जा पाऊँगा। सो ये जो नो करना और फिर नो पे रिग्रेट ना होना,
कि दिल भी हाई में उत्थे चला ही जाता तो चंगा सी, ये ना होना है उसकी पीछे भी वो गोल्स हैं, क्योंकि आपको गोल से इतनी एनर्जी मिल रही है कि जो आप लूज कर रहे हैं वो आपके लिए छोटा रह जाता है। और मैं अक्सर बात लोगों से कहता हूँ कि कभी नो को इंजॉय करके देखें, द पावर ऑफ नो, बड़ी 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 ये भी कहते हैं ना, बड़ी आज़ादी है, समबडी हु कैन से नो।